अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं वो होंडा सिटी मैनुअल 1.3 वेरिएंट है, जो इसका बेसिक वेरिएंट होता है। और ये जो सिटी की जनरेशन है तकरीबन 2009 से लेके अब तक आ रही है, 2019 आ गया है। होंडा ने 10 ईयर चैलेंज जो है वो पास कर ली है, एंड लेट्स सी कब तक ये आती है। बट अभी सब लोगों की, क्योंकि काफ़ी मैं देखता रहता हूँ, अक्सर लोग डिमांड करते हैं, बिकॉज लोकल गाड़ियों में मेरा ख्याल है अगर आप देखें तो सेडान के अंदर ये एंट्री लेवल सेडान है, उससे नीचे जो है आपको कोई भी गाड़ी डिग्गी वाली नहीं मिलेगी। सो उस वजह से, और अगर हम इसकी प्राइस देखें, मैं आज ही चेक कर रहा था पाक व्हील्स के जो न्यू कार सेक्शन है उस पर प्राइसेज अपडेट हुई हैं लेटेस्ट। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो हमारे न्यू कार सेक्शन में जाएँ, वहाँ पर गाड़ियों की लेटेस्ट प्राइसेज अपडेट होती हैं। तो इस गाड़ी की जो इन्वॉइस प्राइस है वो 1858 है और उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स डाल के तकरीबन 19,08,000 रुपये की गाड़ी है। और हमारा जो ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर है जो कि आपको बताता है कि गाड़ी आपको रजिस्टर करा के सड़क पे कितने की पड़ती है, तो ये गाड़ी तकरीबन 19,55,000 जो है ना उसने की पड़ती है। मेरे जो 53 और 55 पे काफ़ी लोगों को इतराज़ होता है, बट आई कॉन्ट हेल्प इट, जो उर्दू में उसका प्रोनाउंसिएशन वो ये बनती है इसलिए मैंने किया, लेकिन मैंने अंग्रेजी में आपको बता दिया। तो 1958 की गाड़ी पड़ती है जो कि मेरे ख्याल से तो बहुत महंगी गाड़ी है। बट आगे हम रिव्यू पे चलते हैं और पूछते हैं, तैमूर साहब हमारे साथ हैं, कि उन्होंने गाड़ी कब खरीदी और इसका क्या उनका जर्नी था, प्रोसेस क्या था। सो विदाउट फर्दर डिले विल कंटिन्यू विद रिव्यू। तैमूर साहब, आपने ये गाड़ी कब खरीदी थी? सर, ये गाड़ी की बुकिंग हुई थी अक्टूबर 2016 में। ठीक है। इसकी डिलीवरी हुई दिसंबर 2016 में और इसकी प्राइस थी 15,57,000। 1557 अक्टूबर 2016 में आपने बुक कराई थी, 1557। जी सर। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2009 में मेरा ख्याल ये गाड़ी तकरीबन 12 लाख रुपए की थी, अब 19,30,000 की है, तो बड़ी तेज़ी से ये प्राइस का सफ़र ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो मेरा ख्याल है मैंने 2009 में ये गाड़ी रखी थी तो उस टाइम उसका मीटर ऑरेंज था, डेक थोड़ा डिफरेंट था, इंटीरियर का कलर डिफरेंट था, बाकी मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट एवरीथिंग वो सेम। बट येट अगेन, तो आपने जब ये गाड़ी ली, आपने बताया कि आपने ली 1557 और आपको ऑन रोड रजिस्टर आपने कराई, कितने की रजिस्ट्रेशन थी इसकी? 35,000 की। ठीक है। टोकन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन लगभग 16,000 की मुझे पड़ गई। 16,00,000 की आपने? अच्छा, जब आपने ये गाड़ी ली थी 2016 अक्टूबर में, तो आपका मैं प्रोसेस समझना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक बजट था, आपने उसके कंस्ट्रेंट के अंदर डिसाइड किया या आपको हमेशा सिटी ही लेनी थी, या आपने लोकल वर्सेस इंपोर्टेड गाड़ी कोई जो है कंपैरिजन किया था? व्हाट वाज द बेसिकली द प्रोसेस आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? सर, इसका जवाब आपने पहले ही दे दिया, मुझे चाहिए थी एक डिक्की वाली कार। मेरे पास दो छोटी कारें उस वक्त भी थी, अभी भी हैं। ठीक है। अच्छा, मसला ये होता था कि अगर किसी को एयरपोर्ट पर लेने जाना या शहर से बाहर जाना, ठीक है, मरी जाना है फैमिली के साथ या जो भी, तो डिक्की कोई नहीं थी, सामान नहीं रखा जा सकता। ठीक है। पीछे सामान रखा जा सकता है लेकिन अगर आपके बच्चे हैं छोटे बड़े तो वो फिर वो जगह को ऑक्यूपाई करते हैं, तो डिक्की की मुझे ज़रूरत थी। ठीक है। एक गाड़ी जिसके ना डिक्की हो, सामान रखा जा सके और बहुत ज़्यादा महंगी भी ना हो। सही है। तो मतलब 15,50,000 के अंदर फोर डोर सेडान इस साइज़ की उस वक्त और ऑप्शन कोई नहीं था। सही है। तो प्राइस मुझे ठीक लगी उस वक्त, तो उस वजह से मैंने ले ली। मुझे कहने का मतलब ये कि रीजनेबली सस्ती गाड़ी, एंट्री लेवल गाड़ी आप लेना चाह रहे थे, थोड़ी सी बड़ी हो। इंपोर्टेड गाड़ी कंसीडर की थी? नहीं सर, मैंने कोई नहीं की रिसर्च ही नहीं की कि वैसे आप इंपोर्टेड लेना नहीं चाहते थे। मेरे ख्याल से रिसर्च भी नहीं की है, शायद मुझे ये मुगालता लगा या था, सही था मेरा गैस के, वो थोड़ी महंगी मुझे पड़ेगी, मतलब यानी कि 15,50,000 में मुझे डिक्की वाली गाड़ी ना मिलती। ठीक है। अच्छा, आपने ये गाड़ी ली, आपने मतलब 15,50,000 रुपये खर्च दिए, आपने गाड़ी ले आए, आपने बताया कि आपका कंस्ट्रेंट ये था कि आपको डिक्की वाली चाहिए थी, फैमिली के लिए एंट्री लेवल चाहिए थी, सो आपने एक अमाउंट पे की तकरीबन लगभग 16,00,000 रुपए आपने पे की। जी सर। तो जब अब आपको तकरीबन 2 साल हो गए तो वही सेटिस्फाइड विद द कार ही है, आपको लगता था यार इसमें कोई चीज़ मिसिंग है, मैंने इतने पैसे खर्चे हैं, इसमें ये ऑप्शन भी होनी चाहिए थी? सर, एक विश लिस्ट होती है ना कंज्यूमर की, वो सर 15,50,000 के अंदर ज़्यादा विश तो नहीं की जा सकती। उसमें ये था कि, और अभी भी मैं समझता हूँ, कम से कम जिस तरह आपने बताया प्राइस इतनी बढ़ गई, अभी भी इसमें एयर बैग नहीं आ रहा, उसका आना बहुत ज़रूरी है। सही है। और कोई बीच में कोई गैजेट्स हों या कोई फ्लैशी चीज़ें हों ना हों, मेरे ख्याल में कम अज़ कम एयर बैग्स का आना ज़रूरी है, वो मैं इसमें भी मिस करता हूँ। इवन 15,50,000 दे के भी मैं मतलब आइडियली मैं चाहता कि उसमें एयर बैग ज़रूर आए, एयर बैग हो गया, उसके अलावा कोई और चीज़। मुझे विश लिस्ट की बात हो रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूरी होगी, बट एक इंसान अगर मैं कोई भी गाड़ी लेता हूँ ना तो मैं उसके बाद एनालाइज करता हूँ यार इसमें ये भी होना चाहिए था, इनको चाहिए था ये भी देते, तो ऐसी कोई चीज़ जो आप मिस करते हैं उस गाड़ी में? थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए, मुझे थोड़ी सी ना अंदर से तंग सी लगती है। अब पता नहीं आपको लगती है नहीं लगती, मैं इतना लंबा नहीं हूँ, लेकिन जो अगर जो कोई लंबा बंदा हो ना वो इसमें फंस जाएगा। ठीक है। मतलब मैंने फुल सीट पीछे की हुई है,
उसके बावजूद मतलब बस पूरा पूरा ही है, नको नाक है सारा कुछ जो भी है, ठीक है जी। तो उसमें कोई रूम, इट्स नॉट ए रूमी कार, आई थिंक स्पेस वगैरह इसमें नहीं है। अच्छा, और कोई ऐसी ऑप्शन जो आप बताना चाहेंगे जी, गाड़ी की बड़ी अच्छी ऑप्शन है, इसकी बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है, किसी आप दूसरे को कन्विंस करना चाहते हो गैरी गाड़ी ले लो, तो आप ऐसी कोई चीज़ आपको लगती है इसमें बड़ी आउटस्टैंडिंग कोई चीज़ है इस गाड़ी? सर आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें नेगेटिव्स भी इतने कोई नहीं है। हाँ, चूँकि ये स्टिक शिफ्ट है या अपना मैनुअल है, तो इस पर पिक अच्छी है इसकी। अच्छा जी, जो मुझे लगा या ये हो सकता है इस वजह से मुझे लग रहा हो कि मैं 650 cc से इसके ऊपर आया हूँ, ठीक है, तो ये हो सकता है, बाकी इसकी मतलब कोई बुरी चीज़ नहीं है। फ्यूल एवरेज क्या है अभी, चले उससे बात शुरू हुई है, 1300 cc है, मैनुअल है, तो फ्यूल एवरेज क्या है? सर शहर के अंदर इसकी तकरीबन 14.3-14.4, और अभी मैं पिछले दिनों बल्कि पिछले वीकेंड पिंडी से होके आया हूँ जीटी रोड पे, सही है, तो वो 14.9 पे चली गई थी। अच्छा, एक चीज़ अच्छी जो सी इसकी है, सॉरी मुझे अभी याद है जी जी, वो ये है कि जब आप इसका एसी वगैरह मतलब गर्मी के अंदर लगाएंगे ना, तो पेट्रोल इतना नहीं खाती वो। अगर 14.4 इस वक्त आ रही है ना, तो उस वक्त हो सकता है फिर 14.2 कर रही है, 14.1। और एसी की जो एफिशिएंसी वो कैसी? बहुत अच्छी है, थ्रो भी अच्छी है और कूलिंग भी अच्छी है, बेहतरीन। उसके अलावा अगेन, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिल तो गाड़ी में को है नहीं, इसका ऑडियो यूनिट है जी सर, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा ख्याल है इसमें ब्लूटूथ नहीं है। नहीं सर, इसमें ब्लूटूथ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा रेडियो, और इसमें वो मतलब सीडी डलती है जी, और सीडी डलती है। तो आपको लगता है कि आज के ज़माने के लिहाज से थोड़ा ऑफ जनरेशन? सर आज वो वंस अगेन डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मैं चाहता ही नहीं या मेरी ज़रूरत ही नहीं, तो फिर मेरे लिए ठीक है। हाँ, जिसको ज़रूरत है उसके लिए फिर अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। ऑडियो लवर नहीं है? नहीं, मैं बहुत बड़ा म्यूजिक लवर बहुत बड़ा हूँ, लेकिन रेडियो के ऊपर जो लगा दे बंदा, मैं सुन रहता हूँ बड़ी खुशी से। रिवर्स कैमरा भी ऑब्वियसली नहीं है, बट आप उसमें लगा सकते हैं जी सर, वो ऑप्शन है। अच्छा, दूसरा मैं ये बताइएगा कि जो इसकी सर्विस वगैरह वो आप कहाँ से कराते हैं? सर्विस सर होंडा से मैं करवाता हूँ। होंडा से जी जी। कितनी चल गई अभी गाड़ी में? सर ये ज़्यादा नहीं चली, मेरे ख्याल 11-12 हज़ार किलोमीटर चली गई, बहुत कम चली। कितने इंटरवल पर सर्विस कराते हैं? 4.5-5 हज़ार किलोमीटर के दरमियान। जब ऑन एवरेज जो आपको सर्विस है वो कॉस्ट क्या करती है, मतलब जो ऑयल चेंज? जी जी, मैं समझ गया, मेरे ख्याल 4-4.5 हज़ार का होता होगा। मुझे 1 rupee पर किलोमीटर ऐसे ही है जी, ऐसे ही। और ऑयल वगैरह भी आप वहीं से लेते? जी जी, होंडा का अपना ही, वो जो खुद मतलब रेकमेंड करते हैं ना आजकल, वो सिंथेटिक रेकमेंड कर रहे, तो मैं वो जो रेकमेंड करता हूं मैं वही डलवा लेता हूं। अच्छा, और उसकी आपने ये चीज नोटिस की है कि जो आप ऑयल डलवाते हैं वो कितना लीटर डलता है? सर ये मेरे ख्याल 3 या 3.5 है, सच्ची बात है कि मैंने कोई गौर नहीं किया। अच्छा, या 3 लीटर होगा या 3.5 लीटर होगा, इतना होगा। सही है, फिल्टर ऑयल सब वहीं से? जी जी, वहीं से होंडा में, कहीं और ठीक है। तो अब दूसरा, इस गाड़ी के जो पार्ट्स हैं, खुदा ना खास्ता आपने कभी इस पर कोई रिसर्च की है, कभी आपकी गाड़ी लगी हो, या कि पार्ट्स की प्राइसेस कैसी हैं? सर इसके ऊपर नहीं की, अभी अल्लाह का शुक्र है कि फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी। हमारी लगी थी 2009 में। अच्छा, और मेरे लिए एक सरप्राइज था कि इसके पार्ट्स इतने महंगे थे उस टाइम पे, अब मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तो मेरा ख्याल है मार्केट में रिप्लेसमेंट पार्ट्स भी आ गए। 2009 में जब ये गाड़ी नई नहीं आई थी, तो आगे से लेफ्ट साइड से गाड़ी हिट हो गई थी, उसकी लाइट फेंडर ये वो, तो गाड़ी का जो पार्ट्स थे उस जमाने में बहुत महंगे थे। बट अप टू माय नॉलेज ये है कि थोड़े इसके रिप्लेसमेंट पार्ट्स भी आना शुरू हो गए, जेन्युइन पार्ट्स अभी भी महंगे हैं, बट रिप्लेसमेंट पार्ट मिल जाते हैं। अच्छा, रीसेल का सवाल, अगेन वो सवाल का जवाब तो मैंने शुरू में खुद ही दे दिया है, आपने जितने की ली थी आज उसे 4 lakh rupees महंगी है, बढ़ गई। एंड आई थिंक इट्स वेरी सेफ कि अगर आज आप इसको बेचना चाहेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और अगेन सेकंड चीज़ ये है कि जिस तरह अगर हम देखें होंडा की जितनी भी आज तक गाड़ी आई हैं, मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा यूनिट जो है किसी एक अगर वेरिएंट के बिके हैं तो होंडा सिटी के हैं। जी सर। एंड होंडा सिटी इज़ लाइक अ कैश कॉ फॉर होंडा राइट नाउ, और मेरा ख्याल है यही वजह है कि उन्होंने 10 year चैलेंज जो है वो पास कर लिया और उसको चेंज नहीं करे, हालांकि इंटरनेशनली तो काफ़ी इसके मॉडल चेंज हो चुके हैं, बट यहाँ पर उन्होंने अभी तक चेंज नहीं किया। लेट्स सी कब आता है चेंज, कब नहीं आता। और मेरा ख्याल है आपकी गाड़ी में वो भी नहीं है, वो जो जिस उनका बड़ा USP यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जिसको कहते हैं, जो शार्क फिन एंटीना है, वो आपको पता है? नहीं सर, वो उसमें नहीं है, वो मेरे ख्याल नेक्स्ट मॉडल में आया था। या कमी महसूस होती है गाड़ी चलाते हुए शार्क फिन एंटीना की? नहीं सर, सच्ची बात है मुझे पता नहीं उसके फायदे क्या हैं। है मार्केटिंग में कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे पूछा था कि शायद होता ना इंसान को लेफ्ट आउट फील करा, उन्होंने इतना मार्केट किया था कि जी हमने नया फेस लिफ्ट लाया, शार्क फिन एंटीना, एंड आई वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग कि पता नहीं वो शार्क फिन एंटीना क्या करता है जो इतना मार्केट किया जा रहा है, बट वो कुछ नहीं करता। अच्छा, तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी के अगर हम देखें नेगेटिव पॉइंट, अगर आपको पता हो कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है इस गाड़ी में? नहीं सर, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट तो कोई नहीं है। एक मुझे लगता है कि शायद सीट थोड़ी सी नीचे है, और शायद मैं गाड़ी से नीचे हूँ, वट एवर, मेरे ख्याल अपनी दूसरी गाड़ी के साथ इसको कंपेयर करूँ। अच्छा, एक और चीज़, बल्कि दो और चीज़ें, एक जब मैं ओवरटेक करता हूँ, वो पता नहीं टायर्स का इशू है जो भी है, अब जैसे मैंने राइट से ओवरटेक किया और मैं वापस आ रहा हूँ लेन के अंदर, तो मुझे ये वाला टायर मुझे ऐसा लगता है जैसे थोड़ा सा उठ रहा है, या उसकी ग्रिप नहीं है, या कि हालांकि नए टायर हैं उसकी, तरह चली तो ये नहीं है, सही है। तो एक इशू है। अच्छा, एक माइनर सा इशू है लेकिन वो इरिटेटिंग है, वो ये कि जब इसके इंडिकेटर ऐसा करके देंगे ना
اور اگر آپ اس کو وہ کریں گے فلیش لائٹ ماریں گے تو گر جائے گا خود ہی نیچے. یہ دیکھیں یہ میں نے کیا, یہ میرا فلیش لائٹ تو خود نیچے. صحیح, یہ نہیں ہونا چاہیے, لاک ہونی چاہیے. مطلب جب آپ انٹرسیکشن وغیرہ کے اوپر جاتے ہیں سمجھیے, تو یہ لاکڈ ہی رہے تو بہتر ہے. وہ گر جاتا پھر آپ دوبارہ اس کو انڈیکیٹر مطلب انڈیکیٹ کرتے ہیں. گاڑی کی سسپینشن کیسی ہے؟ سر سسپینشن ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس کی سسپینشن تھوڑی سی ہارڈ ہے کرولا سے ہے جو بھی, مجھے تو ٹھیک ہی لگتی ہے. شاید میں نے کبھی غور نہیں کیا. اور گاڑی کی بریک کی پرفارمنس وہ ٹھیک ہے سر, بریکس وغیرہ ٹھیک ہے, شکر ہے اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کبھی کوئی ایسی کوئی ایمرجنسی صورتحال کے اندر. ویسے مجھے لگتا ہے آپ محتاط ڈرائیور ہیں, آپ ایکسیسو سپیڈ میں چلانے والے. جی میں شروع سے ہی محتاط ہوں. اچھا آپ نے بتایا تیمور صاحب کہ اس کی جو سیٹ کیپیسٹی ہے آپ نے بتایا کہ وہ تھوڑی جو ہے نا کمپرومائز ہے, اگر تنگ لگتی ہے مجھے تنگ لگتی ہے. اب اگر آپ پیچھے آپ کے بچے وغیرہ فیملی بیٹھتی ہے تو پچھلی سیٹ کی جو کیپیسٹی ہے وہ کیسی ہے؟ سر بچے چھوٹے ہیں تو ان کے لیے تو ٹھیک ہے, یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کے لیے میرے خیال گاڑی تنگ ہو جائے گی. ہاں جی ایڈلٹس کے لیے میرے خیال مسئلہ ہو جائے گا. بچے اگر آپ کے چھوٹے ہیں تو پھر تو کام چل جائے گا ابھی کے لیے, لیکن لانگ رن میں میرا. اور جو بوٹ اسپیس ہے وہ کیسی, ڈگی میں جو اسپیس ہے؟ سر ڈگی کی اسپیس مجھے تو ٹھیک لگتی ہے, مطلب کافی ٹھیک لگتی ہے. میں نے سچی بات ہے کہ اور کوئی اتنی دیکھی بھی نہیں ہے گاڑیاں جن کی اس سے بڑی ہو, تو ہم شور کہ اس سے بڑی ہوں گی. آپ کے پرپز کے لیے ٹھیک ہے اگر فیملی ڈرائیونگ میں سامان وغیرہ, میرا پرپز پورا کرتی ہے. سو اوور آل آپ کی تیمور صاحب اس گاڑی کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ اگر آپ نے کسی کو ایڈوائز کرنا ہو کہ یہ گاڑی لینی ہے یا اگر انٹری لیول گاڑی لینی ہے, وڈ یو ریکمینڈ پیپل ٹو بائی دس کار, اور کہ آپ کا اس بارے میں کوئی اور اوپینین ہوگا لوگوں کے؟ سر 15.5 لاکھ کی اگر مل رہی ہے تو آنکھیں بند کر کے لے لیں. نہیں اب 15.5 کی نہیں مل رہی, اب 19.5 کی. ہاں تو اگر 19.5 کی مل رہی ہے تو میرے خیال آپ اس میں آپشنز فردر آگے پاس. میرا خیال ہے 19.5 کی مل رہی ہے تو آنکھیں کھول لینی چاہیے, بند نہیں کرنی چاہیے, آنکھیں کھول لینی چاہیے. 19.5 لاکھ روپے میں ایسے ہی میں تو زندگی بھر کبھی گاڑی نہ خریدوں. میں بھی پچھلے دنوں بلکہ ابھی بیچی ہے, 1.5 اسپائر بیچی ہے میں نے, اور آئی واز ڈس اپوائنٹڈ ود دا کار. نہ مطلب 23 لاکھ روپے کی گاڑی ہے, اس میں بھی ایئر بیگ نہیں تھے, اس میں بھی کوئی سیفٹی نہیں تھی خاص طور پہ. مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بے وقوفی لگی تھی مجھے کہ میں نے کی تھی. بٹ یٹ اگین پوائنٹ یہ کہ گاڑیاں ساری اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ اب انٹری لیول گاڑی آپ کسی کی بھی لے لیں, ٹویوٹا کی لے لیں, ہونڈا کی لے لیں, دونوں کی اگر آپ سیڈان لے رہے ہیں تو اس سے نیچے کوئی گاڑی نہیں آئی میرے خیال سے. اگین یہ ایک لمحہ فکری ہے ہماری آٹو انڈسٹری کے لیے بھی ہے, اور کیونکہ کنزیومر کے پاس چوائسیز نہیں ہیں, اور مطلب اس لحاظ سے وی آر ان اے فکسڈ سچویشن. ہمارے ڈالر کی اپریسیشن اتنی ہے, ہماری کرنسی ڈیپریشیٹ ایسی ہو رہی ہے کہ ساری گاڑیوں کی پرائسز اوپر جائی جا رہی ہیں. بٹ یٹ اگین وی ایکسپیکٹ کہ جب آپ ایک انٹری لیول گاڑی دیں گے تو اس میں ایک بیسک آپشن جیسے کہ ایئر بیگ ہے, اے بی ایس بریکس ہیں, یہ ساری ہونی چاہیے. اچھا اے بی ایس بریک ہے؟ جی سر اے بی ایس ہے اس کے, شکر ہے وہ دے دی انہوں نے. اچھا تو مطلب انٹری لیول کی گاڑی میں ایک ایسی جو ہے نا منیمم ڈیسنٹ آپشن جن کو آپ کہتے ہیں, جن کو فرلز کاؤنٹ نہیں کرتے دنیا میں, وہ سیکورٹی اور سیفٹی آپشن ہیں, وہ مینڈیٹری ہیں گاڑیوں کو بنانے کے لیے, وہ لازمی ہونی چاہیے ان کے اندر. اور ابھی اس سال آنے والے سال میں کئی گاڑیاں اور آنا شروع ہو گئیں. ایک میں نے پوائنٹ پہلے بھی اٹھایا تھا ٹویوٹا کے بارے میں, تو فور شیور مجھے پتا ہے. ہونڈا کے بارے میں مجھے نہیں پتا. آپ نے جب یہ گاڑی لی تھی کتنے کلو میٹر چلی ہوئی تھی؟ سر یہ بالکل 0 کلو میٹر, وہ 2-3 شو روم سے میں نے لی. شو روم سے 0 تھی کہ نہیں؟ یہی تو پوائنٹ میں بتا رہا ہوں, پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتاتا آیا ہوں کہ آپ اور ہر کنزیومر کو دھوکہ دیا جاتا ہے. آپ سب کو بتایا جاتا ہے کہ وہ گاڑی 0 میٹر ہے, وہ 0 میٹر نہیں ہوتی, وہ 40-50 کلو میٹر چلا کے آپ کے حوالے کی جاتی ہے, اڈے پہ آتی ہے, وہاں سے پھر وہ سڑکوں پہ چلا کے لے کے آتے ہیں, کیریئر پہ نہیں رکھ کے لاتے, چلا کے لے کے آتے ہیں. اس کو گاڑی لگ بھی سکتی ہے, گدا ریڑھی سائیکل ٹرک کچھ بھی لگ سکتا ہے, اور اس کے بعد وہ گاڑی آپ کے حوالے کی جاتی ہے اور آپ 0 میٹر سمجھ کے گھر آ جاتے ہیں. آپ نے اس گاڑی کو نوٹس کیا تھا کتنے؟ نہیں سر سچی بات ہے مجھے یاد نہیں ہے, میرا خیال میں نے کیا بھی نہیں. میں ہر ویڈیو میں بات کرتا رہوں گا جب تک آٹو مینوفیکچر اس بات کو ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ وہ 0 میٹر گاڑی دیں گے کنزیومر کو, کیونکہ وہ سارے کنزیومر کو دھوکہ دے رہے ہیں. سو ویور یہ تھا آج کا ریویو. اگر آپ یوز ہونڈا سٹی خریدنا چاہ رہے ہیں تو پاک ویلز کے یوز کار سیکشن میں جائیں, جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ہونڈا سٹی موجود ہے. اینڈ آئی واز سرپرائز کہ ہونڈا سٹی واقعی از مور دین ان 1000 جو ہے فار سیل اویلیبل ہے. اور میرے خیال سے اگر اس گاڑی کو کہا جائے کہ پاکستان میں آفٹر ٹویوٹا جی ایل آئی یا از ایٹ پار ٹو جی ایل آئی جو ہے اس کی جو ہے نا ریسیل بہت زیادہ ہے, فاسٹسٹ سیلنگ کار ہے. سیڈ فیس دو بٹ اگین دس از ٹرو, بیکاز ایک انٹری لیول گاڑی جو ہے اور اس کی پرائز بہت زیادہ ہے, بٹ اس سے نیچے لوگوں کو ڈگی والی کوئی گاڑی ملتی ہی نہیں ہے. اسی کی وجہ سے میرا خیال ہے ہونڈا سٹی 10 سال سے سیم شیپ آنے کے باوجود بھی چل رہی ہے, چلی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں کب تک چلتی ہے. جب تک کوئی اور نیا ماڈل نہیں وہ لانچ کرتے تب تک آپ کو اور ہمیں اسی گاڑی کو برداشت کرنا ہے, کرتے رہیں گے. سو یہ تھا آج کا ریویو. اگر آپ کو پسند آیا تو لائک کریں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتا رہے. کامنٹ سیکشن میں اپنی راہ سے آغاز کرتے رہا کریں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ہر ریویو کو پہلے سے بہتر بنائیں. انکارپوریٹ کریں آپ لوگوں کی فیڈ بیک کو. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے اگلے ریویو میں پھر ملاقات ہوگی.
تب تک اپنا اور اپنے گردنما کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. شکریہ.